आदित्यनाथ योगी। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में अंधाधुंध खर्च की खबर आने के बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कार्यक्रम पर 1,83,00,000 खर्च कर दिए थे। इस मामले में अब खबर ये भी है कि इस खर्च के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण के एक पूर्व अधिकारी शक के घेरे में है। योगी आदित्यनाथ ने इसी साल 19 मार्च को लखनऊ के स्मृति उपवन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 14 साल बाद यूपी की सत्ता में बीजेपी की शानदार वापसी के इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और लाल कृष्ण आडवाणी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ के इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह पर 1,83,00,000 रुपए खर्च हुए थे। ये रकम मंच से लेकर टेंट, ऑडियो सिस्टम और खान पान पर खर्च हुआ था। इसके मुकाबले 5 साल पहले 15 मार्च 2012 को अखिलेश यादव के शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ 90,00,000 रुपए खर्च हुए थे। ये रकम योगी के शपथ ग्रहण समारोह के मुकाबले आधे ही है। शायद यही वजह है कि योगी के शपथ ग्रहण समारोह का 1,83,00,000 का बिल जब लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सचिवालय को भेजा तो उसकी जांच के आदेश दे दिए गए। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस खर्च को लेकर एलडीए के तत्कालीन उपाध्यक्ष सत्येंद्र वीर सिंह पर गड़बड़ी करने का शक है। हालांकि इस मामले का पूरा सच तो जांच के बाद ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।